मेरे दोस्त अल्लाह दा वली गुजरिया है, उसने सलाम फेरिया, नमाज तू सलाम फेरते मेरे दोस्त, आपने उसनु मिलिया, मिलन तू बाद कहंदा ने मैनू ए ता दस, ए बकरियां ते शेर दी कदों दी सुलह होई है, ए बकरियां जेड़ियां ने शेर चरा रही है। मेरे दोस्त आप फरमांदे ने पहले मैनू ए दस, तू खाना की है ते पीना की? हो सके तो जंगल बियाबान है, तेरे कोल तो कोई चीज नहीं, तू की मैनू खवा सकना? हो सके ये गल नहीं। सोने नबी पाक दा फरमान है, जिस वेले को घर विच मेहमान आवे, गुफ्तगु बाद विच करो, पहले उंदे तुसी खाने पान पीने दा इंतजाम करो। सुभान अल्लाह। ते साडा की हाल हुंदा है, असि गुफ्तगु कर लैने जिस वेले दरवाजे ते जांदा है, हमें को खा पी लवियां। और मेरे दोस्तो, जिस वेले मेहमान घर विच आवे, अल्लाह दी रहमत लै ते आंदा है, जिस वेले जावे ते रब दी रहमत घर विच छड़ ते जांदा है, और जिस वेले एक लुकमा खांदा है, अल्लाह पाक उसनु हज मकबूल दा सवाब अता फरमांदा। उस इंज किया, पहाड़ दे कोल गया, एक पहाड़ दे कोल जदों गया ना, उस उत्थू अपना माखी का प्याला भर लिया, एक दे कोलू पानी का प्याला भर के ले आंदा। उस वेले पुछता, यार मैनू समझ नहीं आई, अगे एक मसला लैके आया सू, हुण दो मसले हो गए। वो सका शायद किवें तेनू मिलिया है, पानी किवें मिलिया है? जो सका जी हजरत मूसा पाक वास्ते अल्लाह पानी दे चश्मे जारी कर सकता है, तो महबूब दे गुलामा वास्ते ही पानी दे चश्मे जारी कर सकता है। अल्लाह पाक ने ये पहले पैगंबरां वाली शान सरकार दी उम्मत नू अता फरमाइए, ये इतने खुशकिस्मत आए असी कि सानू बिन मांगे अल्लाह पाक ने महबूब अता फरमाया है। मेरे दोस्तो, जे अगर पानी दे चश्मे अल्लाह पाक मूसा पाक वास्ते जारी कर पूछ लवे आजे, जिस वेले सदीक पाक आए ने, मेरे दोस्तो माई साहबा पूछती है, मैं सदीक पाक, यारे घर यारे मिजार, मैनू ये तो दस, मेरा बेटा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस वेले सदीक पाक ने ख्याल किया, किसने नबी पाक को भी पूछा, उमर पाक को भी पूछा, किसे ने नहीं दसिया जी अगर मैं कहां तेरा बेटा शहीद हो गया है, हो सकता है माई का दिल टूट जावे। उस वेले सदीक पाक कहता है, हाँ माई तेरा बेटा भी पीछे आ रहा हो। जिस वेले गल की, अल्लाह पाक फरमाते ने, ऐ जिब्रा इजराइल, जी रब इंज कर, वापस कर इस बंदे की रूह, इस बंदे की सहाबी रसूल की वापस रूह कर दे, मेरे सदीक दे निकल गया के वापस आ रिया होवेगा पीछे, मेरे सदीक पाक दी जुबान चो निकल गया है, हुण मैं इनू सच कर देना है, भावे मेरे सदीक दी गल झूठी आई है सच्ची आई। सदीक ओ हुंदा है जड़ी गल कर देवे रब उसनु सच कर दे, ये सदीक पाक दी शान है। मेरे दोस्तो, वापस उंदी रूह कीती गई, ओ दोबारा जिंदा हो गया, ओ वापस आ रिया है। जिस वेले माई ने वेख्या ते बड़ी खुश हो गई, जेड़े नफी का मायनी नहीं देंदी, हो किते किते जो दा मसूला दा मानी भी देंदी है। अल्लाह फरमांदे ने, इस वास्ते अल्लाह ने कलमे दे शुरू तू ला खड़ा कीता है कि ताके कायनात इधरों दी इधर हो जावे, लेकिन कलमे दा मायनी चेंज ना कर सके। जदा कायनात बुतां दे अगे जाके झुक रही आई, उस दौर दे अंदर उन्हां दे बजुर्ग गुजरे आन, पीर हुबल, ते उन्हां दी कबरां ते जाके मन्नत मनौतियां ते नजरो न्याजा जाके देंदी है यो कौम। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर नू अल्लाह ने आख्या, मेरा सोहना पैगंबर, दुनिया दे अंदर तुहानू घल्लण दा मकसद ए ही है कि जेड़ी कायनात भटक रही है, इनू भटकण ना दे मेरा पैगंबर, इनू सीधे रस्ते ते चला। क्योंकि जदों अल्लाह पाक ने शैतान नू जन्नती चो कढ़िया है, ते शैतान ने अल्लाह नाल इक वादा कीता है, काल फबिमा अगवैतनी, कि ऐ अल्लाह तू मैनू दुनिया के अंदर जेकर घल रहे हैं, मैनू जन्नती चू कढ़ रहे हैं, तो मेरी एक दुआ छोटी जी कबूल फरमा लै। शैतान नू भी पता है कि दुआवां कबूल करन वाली जात केड़ी है, सारे उच्चे बोलो को यानी कि अल्लाह तू इलावा कोई दुआवां कबूल करन वाली जात नहीं। तो शैतान ने आख्या, कौल फबिमा अगवैतनी, ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू तेरे दरबार चू अगवा करना ही, तेरे बंदियां नू तेरे दरबार चू मैं उधाल के लै जावना। लोग चौका दे चुराहे च खलोते हो, नमाज इतू हो रही होंदी है, उन्होंने पता होंदा कि असी बदनेकी कर रहे हैं, असी गुनाहगार हो रहे हैं, लेकिन जदा मसीतां वीरान पईयां, लोकी दरबार भरे पैन, मेले सजे पैन, हर चीज़ भरीजी पई है, लेकिन मसीतां वीरान पईयां, इयो ते शैतान ने दिल दे अंदर गुमान पैदा कीता है बंदे दा,
कि नहीं नहीं यार तू नेकी कर रहे हैं, दरबार दे उत्ते बैठे हैं, जिक्र करता पे, नेकी करता पे, टेंशन ना ले, मसीत वैरान पई है ते पई रवन दे। कुरान जेड़ा अल्लाह पाक ने मरकज़े कायनात बना के घले है, ओदे उत्ते जेकर धूड़ा चढ़िया पईन ते चढ़िया रवन दे, उन्नू सिर्फ चुम्मन चट्टन वास्ते अल्लाह ने घलिया, पढ़न वास्ते नहीं घलिया। ये शैतान ने बंदे दे दिल दे अंदर ये गुमान पैदा किया है, इस वास्ते शैतान ने वादा किया है कि अल्लाह मैं तेरे बंदे नू तेरे दरबार चो अगवा करना है, इन्ना लोगों ने तेरे ते इतबार नहीं करना जिन्ना मकाना दे उत्ते मूंह दियां मारियां हुई हांडियां ते इतबार कर लाउणा है। कोई नवा मकान बनावे तो उहदे उत्ते हांडी मूंह दी कर दिंदा है कि शायद मेरा घर यार नज़र तो महफूज रह जाए, किसी की नज़र ना मेरे घर नूं लगे, तो इहदा मतलब है अल्लाह तो ईमान हुंदा चकी गया तो हांडी ते ईमान आ गया हुंदा। कोई नवी गड्डी जां रक्षा लवे तो पिछे एक लित्तर लटकाई वदा हुंदा है कि मेरा ये नवी गड्डी नूं नज़र ना लग जाए, एक लित्तर ते ईमान रखी फिरदा है, अल्लाह ते ईमान कोई नहीं। तवीज गल दे विच पा लिया है, कोई पुछ लवे तो के आखे जी इहदे उत्ते कुरान पाक ही लिखिया होया ना, नेकी वाला ही काम है। हालांकि अल्लाह ने फरमाया फज़क्किर बिल कुरान, मेरा पैगंबर जिक्र कर कुरान नाल, वरत्तिल लिल कुरान, मेरा पैगंबर कुरान नू पढ़, शायद नू अगर चट्टोगे तो शफा मिलेगी, शायद नू गल च पावना शफा नहीं मिलनी। इंज अल्लाह फरमांदे ने कुरान नू पढ़ोगे तो शफा मिलेगी, कुरान नू गल च पावना शफा नहीं मिलनी। शैतान दे सारे बनाए तरीके, इस वास्ते एदे विचू निकलन दी कोशिश करो ते सीधे रस्ते ते चलन दी तौफीक अल्लाह पाक सानू सारे नू अता फरमाए। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे सोहना पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह, शाबाश शाबाश मेरा सोहना पैगंबर, इंजे मेरा पैगंबर तौहीद दियां सदाइयां बुलंद कर, इंजे शिरक ते बिदात ते रसूमात विचों लोगां नू कढदा मेरा पैगंबर, ताके तैनू असां मरकज़े कायनात ते मखज़ने कायनात बना के घलिया मेरा पैगंबर, क़यामत तक आवण वाली उम्मत तैनू याद करे सी मेरा पैगंबर। इस वास्ते अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर होर कुरान दे विचों ऐलान करके मेरे पाक पैगंबर आख दे, अल्लाह मैं के आखां, अल्लाह फरमांदे ने मेरा पाक पैगंबर आख दे, कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर कुल, कुल दा मतलब होंदा है आख दे मेरा पैगंबर, कुल्ला अकूलु लकुम, अल्लाह दी ज़ात दी कसम ने कुरान अपने सामने रख के मुताला कर लवो, मैं अगर झूठ बोलदा पियां तां अल्लाह मेरी थाई सूअर वाली शक्ल बना देवे, अल्लाह दी ज़ात दा वास्ता करके आदा पियां ज़िद दा इलाज तां पैगंबर कोल भी कोई नहीं, अल्लाह दे पाक पैगंबर खुद ऐलान करके आदे न कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। अल्लाह दे पैगंबर आ दिन कुल्ला, मेरा पैगंबर आख दे, अल्लाह के आखा, अल्लाह फरमान दिन आख मेरा पैगंबर, ला अकूलु लकुम के मैं इंज नहीं आदा, के नहीं आदा कूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, के मेरे कोल अल्लाह दे खजाने न, केड़े खजाने न, दियां देवन वाले खजाने, पुत्र देवन वाले खजाने, मालो मता देवन वाले खजाने। अल्लाह फरमान दिन मेरे पाक पैगंबर तू खुद ऐलान कर अपनी जुबान नाल मेरे पैगंबर के मैं ए नहीं आदा के मेरे कोलो अल्लाह दे खजाने, ते अगे फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर ने खुद ऐलान करके आके वला आलमुल गैब इल्लल्लाह। यानी कि अल्लाह दे पैगंबर ने फिर खुद अगे भी ऐलान किया है वला आलमुल गैब इल्लल्लाह के मैं इल्मे गैब भी नहीं जानता, यानी कि उस दौर दे अंदर मजूसी ते नजूमी बैठे होंदे आन इत्थे बह के ते चमन दियां ते यमन दियां इराक दियां खबरां देंदे आन, वादे आन फलाने घर दे विच अज साग पके होए, फलाने घर दे विच अज ए हो रहे, फलाने तेरे चुल्ले विच तवीज पूरे पैन। अल्लाह फरमांदे ने मेरा पाक पैगंबर इन्हां बिदतां ते इन्हां शिरक दा रगड़ा कट मेरा पैगंबर, ला आलमुल गैब इल्लल्लाह के मैं खुद भी इल्मे गैब जानन दी ताकत नहीं रखदा।
अल्लाह फरमाते मेरा पाक पैगंबर ए कुरान दे विच मैं जिक्र कीता है, कुरान इस कायनात वास्ते मैं मरकज़े कायनात बना के खलिया है। हर किताब दे अंदर शक आ सकता है, हर मौलवी दी गल शक आ सकता है, भावे मेरा प्यो है, भावे मेरा दादा परदादा जेड़ा भी आ जावे सारियां दे गल्लां शक आ सकता है, लेकिन सोहने पैगंबर दी गल दे अंदर शक नहीं आ सकता। इस वास्ते अल्लाह ने ता फरमाया मेरा पैगंबर तू अपनी जुबान मुबारक नाल ऐलान कर ताकि कायनात पता लग जावे कि जेड़ी गल मुहम्मद ने कीती ओदे शक नहीं आ सकदा। इस वास्ते मेरे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह तुसा इना तबलीगां नू अगे फैलांदे जाओ मेरे पैगंबर। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने वल ताइफ दे मैदान दे अंदर ए लालियां जरबा लानियां शुरू कर दितियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर जिथे जा रहे अगू बिदात हो रही, अल्लाह दे पैगंबर दे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई सुनन वाला नहीं मगर इल्लल्ला, कोई देवन वाला नहीं मगर इल्लल्ला, कोई पुत्र देवन वाला नहीं मगर इल्लल्ला, कोई दिया देवन वाला नहीं मगर इल्लल्ला, कोई गैब दिया खबरां सुनन वाला नहीं मगर इल्लल्ला। जदा अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ला वालियां जरबा लाइया ता सब तू पहले सके चाचे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह नू पत्थर मारने शुरू कर दिते। ओ लोगो नमाज दा रोला हा, ना रोजे दा रोला हा, ना ज़कातां दा रोला हा, किसे अमल दा रोला ना हा, बल्कि रोला हा ते हा के जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह साडे शिरक आले अड्डियां दे उत्ते आके ला वालियां ज़रबां क्यों ला रहा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जे करुणा नूं नमाज दी दावत देवणा ता रोला इंज नहीं बढ़दा हा, जे करुणा नूं रोजे दी दावत देवणा ता रोला इंज नहीं बनदा हा। लिहाजा मालूम होंदा है कि सब तू पहले जेकर मकसद बुनियादी है ता तौहीद है, जेकर मोमिन बंदा हो सी ता वो तौहीद बयान कर सी। जदा मोमिन बंदे दे अंदर तौहीद बढ़ आई वल ओदियां नमाज़ां भी अल्लाह ने पूरियां कर देवनियां, वल ओदे रोजे भी अल्लाह ने पूरे कर देवने। इस वास्ते मेरे पाक पैगंबर तुसां जेकर जोर दियो ता ला इलाहा इल्लल्लाह ते जोर दियो ताकि जदा मुसलमान होवे मेरा पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह तेरी मां भी असां बुला ली आई, तेरे अब्बा जी नूं भी असां अपने कोल बुला ले आई, ना तेरी मां तेरे हां नाल लावण वाली आई, ना तेरा अब्बा तेनू थपकियां देवन वाला हा। अल्लाह फरमाने जदा तू जमीन ते टुरदा वदा होवे ता तेरी मां तेनू दुआवां देवन वाली कोई ना हाई। लिहाजा मेरे पाक पैगंबर गम न कीता कर, रोया ना कर, जेकर तेरी मां कोई नहीं तवल मैं अल्लाह उतू दुआइयां दे के आना। ला अमरुका ला अमरुका, मेरा पैगंबर जिथे पैरो भी उथाई खैरो भी, यानी कि अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर सोहना पैगंबर तेरी मां नूं भी असां अपने कोल बुला लिया, अब्बा जी नूं भी अपने कोल बुला लिया। लोकां दी जिहड़ी मां हुंदी है जदा पुत्र बाहर निकलदा है मां पिछू दुआवां देंदी है, जदा पुत्र नूं कोई सट लग जावे तो मां अपने सीने नाल ला लैंदी है। इवें अल्लाह दे पैगंबर नूं जदा काफरां ने मारिया जुल्मो सितम कीते, पैगंबर दी पेशानी मुबारक दे अंदरों जदों खून निकलिया तो अल्लाह दे पाक पैगंबर इंज खून मुबारक लैके उत्ता उछाल के आ दे अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह हो जा मैं तेरी तौहीद की खातिर अपना खून कटवाई खलोता। नमाज दे रोले ते कोट नहीं पई, जेकर मारा पईयन प्यारे पैगंबर तुहाडे ते साडे आखरी पैगंबर लैण लाडा दे सरदार पैगंबर दुल्हा पैगंबर नूं ता तौहीद की खातिर मारा पईयन। अल्लाह दे पाक पैगंबर इंज उत्तम उछाल के लहू अपना आखदे अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह हो जा मैं तेरी तौहीद दी खातिर अपनियां मारां झल रहे हैं मेरा अल्लाह। ते अल्लाह भी फिर उत्तू आ दा मेरा पैगंबर जेकर तेरी अम्मा ते तेरा अब्बा कोनी ना दुनिया ते उत्ते ते फिर मैं उत्तू खुद तेनू दुआवां दे के आना। मेरा पैगंबर जिथे पैर होवी उथां ही खैर होवी।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪੱਟ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਡਗਮਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਲ ਇਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਘੜੇਂਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਵਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਹੋਂਟੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵਧਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੰਮੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਏ, ਤੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਓਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਤਕੂਨ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਏ ਸ਼ੌਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ, ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਤਕੂਨ, ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੋੜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਬਲੀਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਟੁਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਸਕਾਟ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਫੜ ਕੇ ਆਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨ ਕਾਨ ਹਾਜ਼ਾ ਵਲ ਹੱਕ ਮਿਨ ਇੰਦਿਕਾ ਫਾਮਤਿਰ ਅਲੈਨਾ ਹਿਜਾਰਤਮ ਮਿਨ ਸਮਾ। ਕਹਿ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਟਲ ਕਾਫਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀ ਆਖ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰੇ ਹੁਣੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਈਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਫਅਮਤਿਰ ਅਲੈਨਾ ਹਿਜਾਰਤਮ ਮਿਨ ਸਮਾ, ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੱਦ ਵੇਖੋ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਨੱਕ ਟੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੰਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ, ਸਾਤਾ, ਚਾਲੀਸਵਾਂ, ਇੱਕੀਸਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਬਾ ਤਾਬੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ,
किसे इमाम ने नहीं किया? हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा इमाम है कोई, जिस साल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, तो आज आपा कौन उन्हें करना? इस वास्ते बिरादरी का डर अपने दिल के अंदर ना रखो, जिद अपने दिल के अंदर ना रखो। बिरादरी रुस दिए तो रुस जावे, बिरादरी अगर ताने मार दिए तो मारे, लेकिन आप प्यारे पैगंबर के रस्ते तो अगे बिल्कुल भी नहीं चल सकते, ना पीछे टोर सकने ना अगे टोर सकने, बिल्कुल प्यारे पैगंबर के रस्ते के उत्ते टोरांगे। अल्लाह पाक इस उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो। इंदा आपा वेखना है कि नमाज कायम किवें करनी, अल्लाह ने तो कुरान पाक दसा ही नहीं कि किन्नियां नमाज़ां पढ़नियां, इसकी तशरीह हदीस करती पई। हाँ जी, जिवें अल्लाह ने फरमाया कि आपने मुसलमानों वास्ते दुआए मगफरत करो, किवें करनी है? यही नहीं करनी कि सारे बाहर वाले बंदे इकट्ठा कर लो, उन्होंने खुआओ पियाओ, तो खत्म शरीफ पढ़ो, तीजा पढ़ो, चालीसवां, ये साबित तुसा कर दियो। मैं हुणे इत्थे बैठे बैठे खत्म ना पढ़ावा तो फिर गल मेरी गल सुन भाई, हजरत उमर पाक को ना सारे साहबा कट्ठे होते गल करन लगे, भाई तुहाडा जेड़ा है ना लिबास है बहुत खूबसूरत होना चाहिए, तो बाहर के लोग आते हैं आशान शान है, लेकिन किसी की ताकत ना हो या अपनी गल छोड़ो बस ऐसा पटीता पाक नहीं नहीं सारा मसला मसला हो गया वो बड़ा भाई को हो सका बिचूल हो सका मैं किवें लिबास पहना, मैंने तो सरकार का लिबास याद है, वो सुन्नत अदा करने वाले वो गए ਸਾਰੀ ਸਾਬਾ।